हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं? गाइस, तो मैं अभी हूँ जहानाबाद में और जहानाबाद स्टेशन में हूँ। तो गाइस, मैं आप लोगों को जहानाबाद स्टेशन का तो मैंने पहले दिखाया था गाइस, लेकिन मैंने प्रॉपर पूरा जहानाबाद का नहीं दिखाया था स्टेशन का। तो गाइस, मैं आज आप लोगों को पूरा स्टेशन का दिखाऊँगा। तो चलिए, हम लोग आज स्टेशन को घूमते हैं, उसको भ्रमण करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो लेट्स गो। जहानाबाद का दृश्य है, चलिए अंदर चलते हैं। जहानाबाद स्टेशन है, जैसा आप लोग देख रहे हैं मालगाड़ी लगा हुआ है यहाँ पे, और ऐसा भी खाली खाली सा नज़र आ रहा है। जहानाबाद स्टेशन का नज़ारा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। जहानाबाद का भी एक इतिहास है। जहानाबाद का नाम जहान आरा के नाम से पड़ा है। ये जहानाबाद, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं और आगे। जगह है वेटिंग, यहाँ पे यात्री लोग वेट करते हैं गाड़ियाँ का, यहाँ पे बैठकर, जैसा आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ दृश्य है। तो गाइस, मैं अभी स्टेशन पे हूँ, जैसा आप लोग देख रहे हैं। तो ये बैठने वाला स्टेशन पे नया नया काफ़ी बना हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, और स्टेशन पे ऐसा बना हुआ है, काफ़ी जगह बना हुआ है, आगे भी बना हुआ है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और आगे भी है, आगे दिखाता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से स्टेशन पर लगभग काफ़ी सारा ऐसा बैठने वाला यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है, जैसा कि वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, ऐसा कुछ दृश्य है। चलिए हम लोग और आगे की ओर चलते हैं। तो गाइस, ये प्रतीक्षालय है जहानाबाद का, वेटिंग रूम है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। गाइस, ये वेटिंग रूम जहानाबाद का, जैसे आप लोग देख सकते हैं। रेल डाक सेवा जहानाबाद का, जैसा आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, जैसा है।
गाइस यहाँ पे कोविड टेस्ट होता था, अभी तो गाइस नहीं है जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस ये प्लेटफॉर्म संख्या 1 है जैसा आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस ये जहानाबाद स्टेशन का बाहर का नज़ारा है जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से माल उतरती है और बाहर की ओर जाती है, कुछ ऐसा दृश्य है आगे की ओर जाने के लिए, ऐसा दृश्य गाइस जैसा आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। सो गाइस आप लोग जो देख रहे हैं स्टेशन पे पार्किंग का जगह है, बाइक का है पार्किंग का जगह, और इधर चार चक्का का पार्किंग का जगह है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा दृश्य है, यहाँ पे बाइक आप लोग पार्किंग कर सकते हैं और चार चक्का भी होता है आगे में। तो गाइस आप लोग यहाँ पे चार चक्का का पार्किंग होता है जैसा आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। सो गाइस ये अंदर का दृश्य, आप लोग यहाँ पे टिकट कटवा सकते हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा। तो गाइस आपको एक नया जगह दिखा रहा हूँ जो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आकर आप लोग फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। एक्चुअली वो जो मेन डाकघर अगर बंद रहे तो आप लोग यहाँ पे आकर फॉर्म जमा कर सकते हैं, और यहाँ फॉर्म का यहाँ पे ऐसा, अगर जिन लोगों को नहीं जानकारी है वो लोग स्टेशन से आकर भी अपना फॉर्म, अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं दूसरे जगह पर फॉर्म भेजते हैं तो यहाँ पर आकर आप लोग भी डाल सकते हैं। सो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो फॉर्म जमा होता है जो शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक जमा होता है यहाँ फॉर्म, अगर एक्चुअली आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जहानाबाद स्टेशन पे आकर भी अपना फॉर्म को जमा कर सकते हैं जो शाम 4 से शाम 6 बजे तक होता है। सो गाइस मैंने आप लोगों को जहानाबाद स्टेशन को दिखाया है, जहानाबाद स्टेशन था पीछे में बगल में है जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। तो गाइस कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय।